शिवपुरी के भोंती थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम नया खेड़ा में ससुरालियों ने आकर बहू सहित सास ससुर और साले की मारपीट कर दी। आपको बता दें कि लगातार शादी के बाद से ससुराली जन आरती को परेशान कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में केस भी चलाया, जिसके बाद एक राय होकर सभी ने घर पर आकर मारपीट कर दी। आरती लोधी उम्र 20 साल की शादी दुर्ग सिंह लोधी के साथ हुई थी। लगातार शादी के बाद उसके साथ मारपीट करते नजर आए। वही आरती को एक बार घर पर भी वापस बुला लिया। ससुरालियों के कहने पर एक बार वापस भेज दिया, लेकिन आए दिन उनकी प्रताड़ना कम नहीं हो रही थी। वहीं ससुरालियों पर एफआईआर भी कराई और कोर्ट में भी केस चला, लेकिन वह आए दिन उसी रंजिश को लेकर मारपीट करते रहते हैं। बीती रोज एक राय होकर आरती के ससुराली जन आए और मारपीट कर दी। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार लोधी। आप कहाँ से आए? नया खेड़ा, ग्राम नया खेड़ा सड़क से भौती के पास है। जो ये जो मारपीट, ये क्या कुछ पूरा मामला है, किसके साथ आपकी मारपीट हुई है? जो मेरे सिस्टर थी उससे शादी वगैरह हुई थी ना, तो मतलब मारपीट वगैरह करता था। उसके बाद हम लोगों ने केस वगैरह किया, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो उसके बाद हमने केस को बंद कर लिया, मतलब बंद करवा दिया उसको। मतलब हम लोगों ने सोचा चलो इस बार देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम रहने लगे, फिर उससे फिर बार मार मार मारपीट वगैरह करने लगे। फिर हम लोगों ने कोर्ट में केस किया और उसकी 3-4 बार एफआईआर भी करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई काम नहीं किया। क्या कि उसका जो पुलिस प्रशासन है, उसका दोस्त वगैरह दोस्त है, जो टीआई है ना मोदी के, वो उनके दोस्त हैं। तो जिस वजह से वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपको हर प्रकार की चोट पहुँचा सकता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बटका पाएगा पुलिस प्रशासन। और मैंने जबकि यहाँ पर सेफ्री एसपी ऑफिस में 2 बार आवेदन भी लगा चुका हूँ कि मुझे भी मारने की धमकी देता है कि तेरे भाई को मार के फेंक दूंगा मैं। अभी लास्ट टाइम आपके परिवार के साथ मारपीट कब पड़ी? ये कल 7 बजे की, 7 बजे की लगभग बात है, मेरे घर पर आए इस दुर्गसिंह लोधी, लक्ष्मी नारायण उसके पिताजी, उसके बड़े बड़े पापा का लड़का ब्रजेश लोधी और उसका बड़ा भाई, ब्रजेश लोधी का बड़ा भाई संतोष लोधी, और उसका एक दोस्त उसकी बुआ का लड़का राम मलन। इन्होंने जो मारपीट की, उसके बाद आपने इसकी शिकायत वगैरह कैसे की? हाँ, हमने इसकी शिकायत की और एफआईआर भी करवाई है, यही कोतवाली पे करवाई सेफरी। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए।